चलो बस हाँ चलो काजू डाल रहे हाँ चलो ऐसा चालू करो जाओ जाओ गेट पर रख दो गेट पर रख दो गेट पर इधर रख दो नहीं देव निकल और रख दो गेट का नहीं रख दो अब तो पैदल चलते हुए पूछा नहीं जी उनका ये कितना फोन में डाला था नहीं हाँ जाओ ना नाजिम में कार को ना आओ जाते उधर जाते पर रख दो गेट का अस्सलाम वालेकुम जमात इस्लामी नंदीपेट की जानिब से इस हर साल की तरह इस साल भी राशन का तकसीम किया गया है और हम तमाम टाउन करने वाले लोगों से का शुक्रगुजार है कि वो लोग अपने टाउन दिए जिसकी वजह से हम ये इस साल राशन की तकसीम की गई है और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें इस खिदमत हमसे ये खिदमत मिली जो है ना मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी साहब है मस्जिद मौजा बिन तैली शेख पाशा साहब मंडल के टीआरएस माइनॉरिटी सेल प्रेसिडेंट भी है
उन्होंने अपना तबादला ख्याल पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और हमारे जमात इस्लामी हिंद जो सो कमेटी की तरफ से और जो सो हमारे सदर रफीक भाई, गौस भाई हों दो, कलीम भाई हों दो, रफीक भाई हों दो, अफरोज भाई हों दो, मुजीब भाई हों, तमाम हमारे नौजवान हमारे भाइयों सब मिल के जो है सो ज़कात निकाल के जो है सो हमारे महल्ले में सबको फितरा सुने मुखज़ियात हों दो, आटा, शक्कर, शेमिया, ये पूरे जो है सो सब मिल के सबको जो है सो जो गौर गरीब अदना जो है उनको जो सो तस्लीम कर रहे हैं। इससे पहले जो है सो कोई इधर आके पलट के देखने वाले कोई भी नहीं थे। और उसके साथ जो है सो हमारे मस्जिद ये गली में भी जो है सो आबादी हमारे बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है सो जमात इस्लामी की तरफ से जो है पूरा काम हो रहा है। सुने इसे महल में जो है सो नमाज़ा में जिस नहीं मालूम था, सुने मस्जिद बनने गई जब से सब अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है सो ताखराता हो रहे, सुने औरतें जमाता हो रहे, नमाजा हो रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलके जो है सो ये तस्वीर कर रहे, उसको जो है सो शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे बड़े आदमी का। सब कुछ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नंदीपेट में जमात इस्लामी जिन काम करने लगे 10 साल हो रहा, और ये इंटर कॉलोनी में मस्जिद बना के 4 साल मुकम्मल हो रहे। और अपन जब भी साले साल ज़कात वसूल करते थे यहाँ से हल्के को भेजने के बाद हल्के से वहाँ से किताब आते थे, वो किताबों को हम बांटते थे। लेकिन इस साल ऐसा नहीं है कि ज़कात लेके हम खुद यहाँ ख़रीद के गरीबों में तकसीम कर रहे। ये गरीबों तक आपका ज़कात का पैसा पहुँच रहा, और ये ज़कात के पैसे, और इंशाल्लाह अगर तुम ज़्यादा ताउन करो इंशाल्लाह और अगले साल में और अपन भी गरीबों को ज़्यादा ज़कात दे सकते। अगर कोई भी ज़्यादा गरीब है उसके लिए कोई रोज़ी का ज़रिया भी लगा सकते। अगर आप ज़्यादा दिए तो इंशाल्लाह उसको जो रोज़ी का ज़रिया लगाए तो हम ज़िंदगी भर याद करेंगे। ऐसा भी ज़कात का एक ज़रिया निकाले तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें अपने को बरकत देंगे। और ये बात करने